गाइस, क्या आपको एटीएम का फुल फॉर्म पता है? नहीं, ये एनी टाइम मनी मशीन नहीं होता, बल्कि इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एटीएम से रिलेटेड इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट नंबर वन, इंडिया का पहला सोलर एटीएम कहाँ खुला है? वो है नल्लूर, आंध्र प्रदेश में। फैक्ट नंबर टू, इंडिया का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ खुला है? और वो है कोची, केरला में। एंड फैक्ट नंबर थ्री, इंडिया का पहला मिल्क एटीएम कहाँ खुला है? और वो है आणंद, गुजरात में। गाइज, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे में गाइज, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उनमें स्टेज फियर भी होता है, और स्टेज पर जाना तो छोड़िए, अगर दूसरों से नॉर्मली भी बात करनी है तो उन्हें हेजिटेशन फील होता है। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपके हेजिटेशन को दूर करने के कुछ तरीके बताता हूँ। नंबर वन, जब भी आप घर पे हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। इससे धीरे 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 करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने लगेगा। नंबर टू, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव ही सोचिए। एंड नंबर थ्री, जब भी आप किसी से बात करें उसकी आंखों में देख के बात करें, ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। गाइस, अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बड़े ध्यान से देखा है तो आपने जुपिटर के ऊपर ये लाल धब्बा जरूर देखा होगा, पर मेरा सवाल ये है कि आखिर ये लाल धब्बा है क्या? नहीं, ये कोई लाल चट्टान नहीं है, बल्कि ये 350 सालों तक, जी आप ठीक सुन रहे हैं, 350 सालों तक एक्टिव रहने वाला एक तूफान है। और इस तूफान का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी धरती तक पूरी की पूरी समा सकती है। गाइस, ये ह्यूमंस की जानकारी के हिसाब से अब तक का सबसे लंबा एक्टिव रहने वाला तूफान है। अर्थ पर 1994 में हरिकेन जोन्स नामक एक तूफान आया था, जो कि मात्र 31 दिनों तक ही एक्टिव था, जबकि ये तूफान 350 सालों से जुपिटर के ऊपर एक्टिव है। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे में गाइस, अगर आपको आपके शरीर में ताकत की कमी लगती है या फिर पूरे दिन काम करते समय एनर्जी लो सी फील होती है, तो आपके लिए एक हेल्थ टिप है। आपको सुबह नाश्ते में अंकुरित चने लेने और फिर उसमें नींबू छिड़कना है, और फिर साथ साथ अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े डालने, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक स्वादानुसार और काली मिर्च, और फिर उसे खाइए। ये नाश्ता करने पर आपको भरपूर एनर्जी अपने शरीर में फील होगी, और आपको थकावट भी कम लगेगी और शरीर की ताकत भी बढ़ने लगेगी। ऐसी अमेजिंग हेलो गाइस, एक सवाल पूछता हूँ। मेरा सवाल ये है कि पूरे एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट कौन से शहर में लगाई गई थी और कब लगाई गई थी, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? चलिए मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता ही देता हूँ। पूरे एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट 5 अगस्त 1905 को भारत के बेंगलोर सिटी में लगाई गई थी। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। ऐसे अमेजिंग वीडियो। हरी सब्जियां खाने के अपने अलग ही फायदे हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा गुणकारी है पालक। जी हाँ गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पालक खाने से आपका दिमाग सही ढंग से काम करता है और आपकी याददाश्त की क्षमता भी बढ़ती है। और उसके अलावा अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो पालक खाने से आपके शरीर की खून की कमी भी दूर होती है। गाइज, इसीलिए पालक जरूर खाएं। ऐसी अमेजिंग वीडियोस की गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया का सबसे नीडर यानी कि सबसे दिलेर जानवर कौन सा है, तो शायद आप लोग शेर का नाम लें, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से दुनिया का सबसे नीडर जानवर शेर नहीं है, बल्कि वो है हनी बैजर। जी हाँ गाइज, आप लोग ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि छोटे से आकार के होने के बावजूद भी हनी बैजर बड़े बड़े मांसाहारी जानवरों से भिड़ जाता है और तब तक लड़ता है जब तक कि वो सामने वाले को मार ना दे या खुद ना मर जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। नाम याद रखिएगा, हनी बैजर। गाइस, क्या आपको पता है कि एयरफोर्स का सबसे महंगा विमान कौन सा है? चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एयरफोर्स के सबसे महंगे विमान के बारे में बताता हूं, और वो है फाइटर जेट F-35। और गाइस, आप लोग ये जान के हैरान रह जाओगे कि फाइटर जेट F-35 को उड़ाने के लिए पायलट जो हेलमेट पहनता है वो 1,000, 10,000, 1,00,000 या 1 करोड़ का नहीं है, बल्कि वो हेलमेट लगभग 3 करोड़ रुपए का है। ओह माय गॉड गाइस, अब आप अंदाजा लगाइए कि फाइटर जेट खुद कितना महंगा होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि फाइटर जेट की कीमत इंडियन रुपीज में 700 करोड़ से 900 करोड़ रुपए